हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आपके स्क्रीन के सामने जो नजारा नजर आ रहा है, यानी कि जो चीजें दिख रही है, वो बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही एक बड़ी फिल्म की शुरुआत की अनाउंसमेंट है। जी हाँ, आप स्क्रीन पे देखते होंगे, आपको संजय दत्त नजर आते होंगे, साथ में तिग्मांशु धुलिया नजर आते होंगे। तिग्मांशु धुलिया, अब अगर आप नहीं जानते हो तो आपने गैंग्स ऑफ वजेपुर देखी होगी, तो गैंग्स ऑफ वजेपुर में रामाधीर करके इनका नाम आई थिंक रहता है, और इनका बेटा विधायक रहता है जो किसी काम का नहीं रहता है। उनका बेटा बोलता है, छोड़ूंगा तेरे को, मारूंगा, फोड़ दूंगा, तू जानता क्या है, विधायक का बेटा हूं मैं। उसके बाद इनका बहुत फेमस डायलॉग है तिग्मांशु धुलिया का, यानी कि रामाधीर का, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम जाओ तुम्हारी माँ के अम्मा के साथ काम करो, बेटा नहीं नहीं तुमसे ना हो पाएगा। तो बहुत अच्छा रोल था तिग्मांशु धुलिया का। और तिग्मांशु धुलिया अब साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 में वो डायरेक्ट करेंगे, और साथ ही उस फिल्म में विलेन का रोल निभाएंगे संजय दत्त। आपको अगर इस फिल्म के बारे में ज्यादा नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि साहेब बीवी और गैंगस्टर का जो फर्स्ट पार्ट आया था वो 2011 में आया था, जिसे तिग्मांशु धुलिया ने ही डायरेक्ट किया था, और उसका दूसरा पार्ट 2013 में आया था, जिसे फिर से तिग्मांशु धुलिया ने डायरेक्ट किया था। और पहले पार्ट में आपको रणदीप हुड्डा नजर आएंगे एज ए विलन के रोल में, दूसरे पार्ट में इरफान खान नजर आएंगे, और तीसरे पार्ट में आपको संजय दत्त विलन के रोल में नजर आएंगे। अभी देखने वाली बात यह है कि क्या जिम्मे शेरगिल फिल्म में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने पहली फिल्म देखी है, मैं दूसरी फिल्म देखी है तो मुझे याद नहीं कि जिम्मे शेरगिल उसमें मरते हैं कि नहीं, क्योंकि पहली फिल्म में जरूर है जिम्मे शेरगिल, दूसरी फिल्म में भी है। अगर इस फिल्म में भी होगी तो कमाल का रोल होगा, और मेरे ख्याल से कमाल का होगा ही, क्योंकि साहेब नाम है तो साहेब यानी जिम्मे शेरगिल ही है, आई थिंक उनके रोल से छेड़खानी नहीं की जाएगी ऐसा लग रहा है, और बहुत एक अच्छी चीज होगी। फोटो आप ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फोटो, आई थिंक ये प्रोड्यूसर वगैरह है, और एक इमेज है आई थिंक वो भी देख लेते हैं। तो संजय दत्त अपने ही एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत खुशी होगी इन्हें एक गैंगस्टर के रोल में देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये रोल पे, ये 5500 लेगा अम्मा, 5500 लेगा, ये बहुत सारे लोग फेमस भी है थोड़े नेगेटिव रोल के, तो वी जस्ट वॉन्ट टू वेट कि देखते कब तक ये फिल्म रिलीज होती, कब आती है। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है कि अब ये फिल्म फ्लोज पे जाना शुरू हो जाएगी 2 से 3 महीने में, और एक अच्छी खासी फिल्म हमें देखने को मिलेगी। कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें पर चाहिए तो आपको जरूर बताऊंगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को, आपको ऐसे वीडियोज आने वाले दिनों में भी मिलते रहेंगे। चलिए, बाय बाय।